तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये देखना है हमने कि अगर कोई भी बॉडी मान लो सर्कल में घूम रही है, तो सर्कल में घूमने के लिए वेलोसिटी चाहिए और वेलोसिटी की जो वैल्यू है इसके अंदर या वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा टेंजेंशियल होगी। मान लो एक बॉडी सर्कल में घूम रही है तो आप चेक करें ये वेलोसिटी का वेक्टर है। ऐसा वेलोसिटी टेंजेंशियल क्यों है? वेक्टर गोल नहीं होता, पहला पॉइंट है। वेक्टर गोल तो होता नहीं है, वेक्टर तो स्ट्रेट होता है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, ड्रॉ अ टेंजेंट। कई लोग कहते हैं समझ में नहीं आया और एक्सप्लेन करो टेंजेंट क्यों, तो एक काम कर लो, मान लो ये पत्थर है ऑफ मास एम और आप रस्सी से घुमा रहे हैं, आपकी रस्सी टूट गई यहां पे, ये पत्थर कभी गोल नहीं घूमेगा, जहां टूटी टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर जाएगा। इसका मतलब मानना पड़ेगा हर पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर स्ट्रेट है, गोल नहीं है। ठीक है, मैं वर्ड यूनिफॉर्म से क्या समझता हूं? यूनिफॉर्म का मतलब है इस चैप्टर में अगर यहां पे स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है और 2 मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड हर वक्त घूमने में क्या रहने वाली है? सेम। और अगर सेम रहेगी इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी, तो फिर उसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिफॉर्म, हमारी स्पीड इसमें क्या रहेगी? सेम। क्लियर है यहां तक? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपके स्कूल में और आपके ऑब्जेक्टिव या टेस्ट में कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या वेलोसिटी चेंज होती है कि नहीं होती? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है कि नहीं होती? क्या लिखोगे? यस कि नो? नो लिखोगे तो गलती हो जाएगी, यस होती है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता है। तो नोट कर लेना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड की वैल्यू क्या रहती है? सेम। लेकिन वेलोसिटी वेक्टर हमेशा क्या होता है? चेंज। और चेंज भी क्या हो रहा है इसमें? डायरेक्शन। डायरेक्शन की वैल्यू क्या हो रही है इसमें? चेंज। तो क्लियर है? पहले देख लो, ठीक, ये पहला स्टेप है। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, हमने अभी तक दो किस्म की मोशन स्टडी की हैं। दो किस्म की मोशंस हैं। पहली मोशन हमने की लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, और अब हम क्या करने जा रहे हैं? सर्कुलर मोशन, या जिसका दूसरा नाम है एंगुलर मोशन। एंगुलर या सर्कुलर एक ही बात है, तो ये बनाएं। तो हमने इसमें पहले की लीनियर, लीनियर का मतलब बॉडी इज ऑलवेज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो बॉडी हमेशा स्ट्रेट मूव करती थी, घूमती कभी भी नहीं थी। अभी बॉडी कैसे मूव करेगी? घूमेगी, और घूमेगी तो एंगुलर मोशन बोलते हैं उसे। सर्कुलर या एंगुलर एक ही बात है, ठीक। हमने सबसे पहले लीनियर मोशन में स्टडी की थी कि अगर कोई बॉडी यहां से यहां आ जाती है, मान लो यहां से यहां आती है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स। इसको बोलते थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? एक्स। यह है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लिखें, जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, तो मान लो कोई बॉडी यहां से यहां आ गई, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गई, तो बॉडी ने जो एंगल कवर किया सेंटर के ऊपर, इसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसकी वैल्यू क्या है? थीटा। मतलब लीनियर मोशन में एक्स देखा जाता है, एंगुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में जब मैं बोलता हूं बॉडी ए से बी पे चली गई,
तो सेंटर पे कितना एंगल कवर हुआ वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखी जाती है, मतलब ये देखा जाता है बॉडी ने एंगल कितना कवर किया। तो जो काम लीनियर में एक्स करता था वो काम एंगुलर में थीटा करेगा। सही है यहां तक? और यूनिट्स याद रखना, इसके यूनिट्स क्या हैं? मीटर। इसके यूनिट्स क्या हैं? रेडियंस। डिग्री नहीं है, रेडियंस में चलता है ये, रेडियंस। अब जो काम इसमें लीनियर वेलोसिटी करती थी, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, जिसके यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड। वो काम इसमें कौन करेगी? लीनियर की जगह वर्ड चेंज करो, क्या चेंज करेंगे? एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी। सिंबल क्या है इसका? ओमेगा, ओमेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला डी थीटा बाय डी टी, ये देखो रिप्लेस कर दिया, वी की जगह रिप्लेस कर दिया ओमेगा, और एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? थीटा। जो काम एक्स करेगा वो थीटा करेगा, जो काम इसमें वी करेगा वो काम इसमें ओमेगा करेगा। कोई डाउट इसमें? और यूनिट्स बोलो ओमेगा के क्या होंगे? रेडियंस पर सेकेंड, रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो जो काम किसमें हो सकता है, आपका मन कह रहा है कि इस तरीके से डायमेंशन लेस होता है, एमएलटी में नहीं मेजर होता, ये पढ़ा था, पर एंगल तो बढ़ सकता है ना। ठीक, क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, जो काम इसमें लीनियर एक्सेलरेशन करती है, लीनियर एक्सेलरेशन ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डीवी बाई डी टी, और यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो बोलो इसमें क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन करेगी, और सिंबल क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का? अल्फा। याद रखना एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है? अल्फा। तो फॉर्मूला क्या होगा बोलो? डी ओमेगा बाई डी टी। ये समझ में आ रहा है कैसे? ए की जगह टर्म क्या यूज करेंगे? अल्फा, ए की जगह अल्फा, डी वी की जगह डी ओमेगा। टाइम में कोई चक्कर नहीं, और इसके यूनिट्स पता है क्या बनेंगे? रेडियंस पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है ना यहां तक? ये तो आपको सेम फील दिलवा रहा है कि जैसे मोशन चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, बिल्कुल यही सोचना है आपने। मोशन का दूसरा रूप, मतलब टर्म्स चेंज कर दी। मैं अब ये नहीं बोलूंगा कि कार मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड, मैं बोलूंगा पंखा मूव कर रहा है विद 2 रेडियंस पर सेकेंड से 4 रेडियंस पर सेकेंड। अब ऐसे थोड़ी ना, अब तो ऐसे है, तो पंखे में एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, पंखे को बंद कर दो, ओमेगा 4 रेडियंस पर सेकेंड से करते 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 0 पे आ जाएगा, पंखा रिटार्ड कर रहा है, अल्फा नेगेटिव है, सेम चीज़ है। तो वही तो सेम चीज़ करने जा रहे हैं, तभी तो बोला था मोशन के साथ रिलेट करना बहुत जरूरी है ऐसे। ठीक, समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, इसमें हमने लीनियर मोशन में किया था टाइप ऑफ मोशन। तो अगर मोशन की टाइप्स की बात करते हैं तो एक मोशन क्या थी? यूनिफॉर्म मोशन, और यहाँ पे क्या था? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होती थी? कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या होती थी? जीरो। यूनिफॉर्म मोशन तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करते थे इसमें? एस इज इक्वल टू वी टी, ऐसी था। और नॉन यूनिफॉर्म में कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होती थी और हम इसको कांस्टेंट मानते थे, और इसमें इक्वेशंस क्या बनती थी? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस, या एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? यही था। अब यहां पे आ जाएं, ये है टाइप ऑफ, ये लीनियर मोशन है, ये क्या आएगा? एंगुलर मोशन आएगा, घूमने की मोशन। तो घूमने की मोशन में पहली यूनिफॉर्म एंगुलर
मोशन और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन। ठीक, तो इसमें यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन में ओमेगा क्या रहेगा? कांस्टेंट। अल्फा क्या होगा? जीरो। देख रहे हो ना, वी की जगह क्या जाएगा? ओमेगा। ए की जगह क्या हो जाएगा? अल्फा। तो पंखा कांस्टेंट स्पीड से घूमे जा रहा है, ओमेगा 2 रेडियंस पर सेकेंड, बस ये इसका मतलब। सही है? तो बोलो इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें रिप्लेस करो एस की जगह थीटा, एस एक्स की जगह थीटा, वी की जगह ओमेगा और टाइम का टाइम, ये लो, ये इक्वेशन लगेगी पंखे के लिए घूमते हुए के, जब पंखा कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा। सही है? और इधर अल्फा की वैल्यू इसमें कंसिडर की जाएगी और वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी की जगह आप ऐसा यूज कर सकते हो ओमेगा टू इज ओमेगा वन प्लस अल्फा टी, या फिर ओमेगा टू का स्क्वायर माइनस ओमेगा वन का स्क्वायर इज टू इंटू अल्फा इंटू थीटा, या फिर थीटा इज ओमेगा वन टी हाफ इंटू अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, सेम है। तो मैंने यू की जगह ओमेगा वन यूज कर लिया और वी की जगह ओमेगा टू यूज कर लिया, बिल्कुल सेम चीज चल रही है। आ रहा है मेरे को, आ रहा हूँ, नेक्स्ट वही है, अभी प्रूव करता हूँ। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, टाइप ऑफ मोशन। सही है? अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन पॉइंट्स हैं वो नोट कर लेने हैं, क्योंकि वो आपको फंसाएंगे। लेकिन मैं चैप्टर के शुरू में बता देता हूँ कि अगर ये पॉइंट क्लियर है जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, आपकी गलती हो ही नहीं सकती कभी भी। देखो, तो नेक्स्ट पॉइंट है, आप इमेजिन करें कि आपकी बॉडी जो है वो सर्कल में घूम रही है और ये सर्कल में घूम गई। सर्कल में घूम के मान लो ए से स्टार्ट होती है, तो नॉर्मली सर्कुलर मोशन की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो ये ली जाती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और घूम के यहीं पे आ जाती है, और घूमने की स्पीड ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, मतलब कम ज़्यादा नहीं, सेम स्पीड पे जाती है। तो आप मुझे ये बताएं इसके सेंटर पे एंगल कितना कवर हो जाता है? 360 नहीं बोलना है, इसमें क्या बोलना है? 2π रेडियंस, 360 डिग्री नहीं होता इसमें, रेडियन चलते हैं 2π। तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई, ओमेगा क्या फॉर्मूला है? डी थीटा बाय डीटी, अभी सिखाया। तो ये बताओ कि इसमें टोटल एंगल कितना कवर हो गया। लेकिन इससे पहले ये भी सुन लो कि जब एक पूरा चक्कर कंप्लीट होता है, एक चक्कर को इस चैप्टर में बोलते हैं वन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड क्या इसमें नोट किया जाता है, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू कैपिटल टी। एक चक्कर का टाइम इज कैपिटल टी, दूसरे चक्कर का टाइम इज कैपिटल टी से बड़ा कि छोटा? पर स्पीड तो सेम है, हर चक्कर का टाइम तो सेम ही लगेगा, स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही, तो इसलिए कैपिटल टी। अगले चक्कर का टाइम कैपिटल टी, हर चक्कर का टाइम एक चक्कर का पूछ रहा हूं क्या, इसी को तो बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड चेंज हो गई फिर तो कैपिटल टी भी चेंज हो गया ना, तो चैप्टर का नाम ही जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो कैपिटल टी विल रिमेन सेम। और ये गलती से भी छोटा टी नहीं लिखना, कोई क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, एक चक्कर के टाइम को बड़ा टी ही लिखना है। आप कोई बंदा कहता है फर्क क्या पड़ता है छोटा टी, फर्क इसमें पड़ता है, कैपिटल टी मतलब कैपिटल टी। तो एक चक्कर का टाइम लिखो कैपिटल टी, एक चक्कर का टाइम इज वन रेवोल्यूशन का टाइम इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय
कैपिटल टी। अब ओमेगा बताओ, एक चक्कर पूरा हो गया, तो बताओ एंगल कितना कवर हुआ, 2 पाई, और कितनी देर में, कैपिटल डी थीटा की जगह 2 पाई और टाइम की जगह कैपिटल टी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। अब अगला पॉइंट सुनो, नेक्स्ट पॉइंट में ये बताओ कि कैपिटल टी सेकेंड में बोलो कितने चक्कर कंप्लीट होते हैं, एक कैपिटल टी में एक चक्कर कंप्लीट होता है, तो एक सेकेंड में कितने चक्कर कंप्लीट होंगे, 1 बाई कैपिटल टी, और एक सेकेंड में कितनी बार कोई चीज रिपीट होती है उसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नोट करो, 1 अपॉन कैपिटल टी, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन कैपिटल टी, और फ्रीक्वेंसी को कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं बाय न्यू, 1 बाय कैपिटल टी, मर्जी है कोई एफ लिखता है कोई न्यू लिखता है, केमिस्ट्री के अंदर भी शायद यूज होती है ये, न्यू इज इक्वल टू 1 बाय टी, एक ही बात है, एफ लिख लो न्यू लिख लो एक ही बात है। ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें? तो एक फॉर्मूला आ गया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया फ्रीक्वेंसी का 1 बाय कैपिटल टी। अब इसके यूनिट्स सुन लो आपकी बुक्स में, अब नॉर्मली इसके यूनिट्स क्या लेते हैं, सेकेंड रेज टू पावर -1, या फिर कभी कभी क्या लेते हैं, हर्ट्स, लेकिन यहां पर इस चैप्टर में लेते हैं रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, जिसका शॉर्ट फॉर्म बहुत फेमस है RPS, revolutions per second means RPS, तो जिसके यूनिट RPS होंगे उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, revolution per second। कई लोग कंफ्यूज कर देंगे, जो सुन नहीं रहे वो बोलेंगे radians per second, वहां गड़बड़ हो जाएगी, radians per second तो ओमेगा होता है, revolutions per second तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो RPS मतलब revolutions per second, तो ज्यादातर बुक्स RPS यूज करती हैं। तो क्या ये पॉइंट यहां तक समझ में आ रहा है? अब मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था अभी ओमेगा का, ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई बाय कैपिटल टी। अब 1 बाय कैपिटल टी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये फॉर्मूला, मुझे पता नहीं केमिस्ट्री में यूज करते हैं नहीं करते, ओमेगा का करते हैं नहीं, कोई बात नहीं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ये नोट करें फॉर्मूला, समझ में आ रहा है यहां तक कैसे बन रहे हैं फॉर्मूला, समझ में आ रहे हैं? तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ लिंक चल रहे हैं। यहां तक क्लियर है? और एक चीज और इसमें नोट करेंगे कि सपोज करो आपकी बॉडी एक सर्कल में घूम रही है, और लेट अस सपोज ये बॉडी ए से चली और बी पे आ गई, यहां से चली t इज इक्वल टू 0, यहां पे आई t और एंगल कवर्ड कितना है, थीटा, और पूरी जर्नी में ओमेगा कांस्टेंट है, मुझे ये बताएगा कोई थीटा क्या है इसमें, थीटा की वैल्यू क्या है, नहीं ओमेगा और टाइम की फॉर्म में थीटा इज इक्वल टू व्हाट, हाँ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t, क्यों, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, एस इज इक्वल टू वी टी, एस इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट है, तो एस इक्वल टू वी टी की जगह थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर एंगल निकालना है तो छोटा टी इंस्टेंटेनियस टाइम है, कैपिटल टी एक चक्कर का टाइम है और स्मॉल टी इंस्टेंटेनियस टाइम है, तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर आपको थीटा निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है यहां तक? और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा का मतलब 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है, अभी लिखवाया था, ये भी सही है, ये देखो। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको कैपिटल टी गिवन है 2 सेकंड,
तो आपके पास थीटा क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 2 इंटू स्मॉल टी, यानी कि थीटा क्या आएगा, पाई इंटू स्मॉल टी। अब सोचो वो आपसे पूछेगा टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे, टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे थीटा निकालो, टाइम 1 पुट कर देना, 2 सेकेंड पे निकालो 2 पुट कर देना, 3 सेकेंड पे निकालो 3 पुट कर देना, तो किसी भी इंस्टेंट पर एंगल आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी आपके पास। तो क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, कोई डाउट इसमें? सही है।